और देखिए बंगाल में आज का जो दिन है वो सियासत का सुपर संडे बनकर आया है। एक तरफ ममता बनर्जी का नया रूप पहली बार बंगाल के लोगों ने देखा, तो दूसरी तरफ अमित शाह बेटर ऑफ बंगाल में हुंकार भरते हुए नजर आए। आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। निहत बाघर थेके आहत बाघ आरो भयंकर। बंगाल में खेला होवे का सुपर क्लाइमेक्स शुरू हो चुका है और यह है उसकी बेहद खास तस्वीर। आगे आगे व्हीलचेयर पर ममता बनर्जी और पीछे टीएमसी के कार्यकर्ताओं का हुजूम। कोलकाता से आई ये वो तस्वीर है जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई। ममता बनर्जी 3 दिन बाद जब दोबारा प्रचार युद्ध में उतरी तो वो एक घायल सिपाही के रूप में नजर आई। ममता ने व्हीलचेयर पर बैठकर गांधी मूर्ति से अपना रोड शो शुरू किया। व्हीलचेयर को एक सुरक्षा कर्मी धकेल रहा था और ममता बीच बीच में हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करती नजर आ रही थी। लगभग 4.5 से 5 किलोमीटर तक का ये सफर ममता दीदी ने अब लगभग पूरा कर लिया है। सड़कों से बात करती हुई और सड़कों के सहारे बंगाल के लोगों से बात करती हुई ममता दीदी ने अपने पैर पर प्लास्टर और व्हील चेयर पर ये जो टूर पूरा किया है, जो ये 5 किलोमीटर का ये रोड मार्च जो पूरा किया है, इस रोड मार्च के सहारे उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि उनकी जो छवि है सड़कों पर उतर कर लड़ने की है और वो किसी भी चोट या हमले से डरती नहीं है। इससे पहले ममता पदयात्रा करती रही हैं। एक बार वो स्कूटी पर भी नजर आ चुकी हैं, लेकिन इस बार कोलकाता की सड़क पर ममता निकली तो उनके बाएं पैर में प्लास्टर बंधा हुआ था। सवाल यही है, क्या ममता इन तस्वीरों के जरिए जनता की सहानुभूति बटोर पाएंगी? ये 2 मई को साफ होगा, लेकिन रोड शो से पहले ममता ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपने दर्द की तुलना बंगाल के दर्द से की। ममता ने कहा कि हम निर्भीक होकर लड़ते रहेंगे, मैं अभी भी बहुत दर्द में हूँ, लेकिन मुझे अपने लोगों का दर्द और भी ज्यादा महसूस होता है। अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए इस लड़ाई में हमने बहुत कुछ झेला है और हम और अधिक चीजें झेलेंगे, लेकिन हम कभी भी कायर की तरह नहीं झुकेंगे। ममता बनर्जी की छवि एक जुझारू, सख्त और ना झुकने वाले नेता की रही है। व्हीलचेयर पर बैठकर ममता ने इमोशनल कार्ड तो खेला ही, लोगों को एक बार फिर अपने मजबूत इरादों का संदेश दिया। बीजेपी की कड़ी चुनौती से निपटने की कोशिश में जुटे हुए उनके कार्यकर्ता इस बात से उत्साहित होंगे कि ममता दीदी 5 किलोमीटर तक के सफर में लगातार व्हीलचेयर पर अपने मतदाताओं के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ चलती रहीं। लेकिन इसका मतलब क्या निकलता है, ये 2 मई को मतपेटियों के खुलने से ही तय होगा। ममता बनर्जी ने हाजरा में एक रैली की जिसमें उन्होंने खुद को घायल शेर बताया। ममता को वैसे ही बंगाल की बाघिन कहा जाता है, लेकिन आज उन्होंने विरोधियों को भी संदेश दिया कि चोट खाने के बाद ये बाघिन और ज्यादा खतरनाक हो गई। निहत बाघेर थेकेओ आहत बाघ आरो भयंकर, काजे आमाके आहत करार। हालांकि ममता जिस चोट को दिखाकर इमोशनल कार्ड खेल रही हैं, उस चोट पर बीजेपी समेत तमाम विरोधी दल पहले से ही सवाल उठाते आ रहे हैं। कई नेताओं ने तो इसे पॉलिटिकल पाखंड बताते हुए इसकी सीबीआई जांच तक की मांग की है। गाड़ी टकरा गया खंभे में और वो भी स्टांट करते समय, उसमें कॉन्स्पिरेसी क्या है नहीं मालूम है। हम तो पहले दिन ही डिमांड किया था कि चीफ मिनिस्टर का सिक्योरिटी का मामला तो उसका सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। इतना ही नहीं, ममता के एक दिन में प्लास्टर हटाए जाने पर भी विरोधी सवाल उठा रहे हैं। ये देखिए बीजेपी नेता मनोज तिवारी का ट्वीट जिसमें उन्होंने ममता की 2 तस्वीरें शेयर की है। पहली तस्वीर में ममता अस्पताल में बेड पर लेटी हैं और उनके पैर में प्लास्टर है, और दूसरी तस्वीर में वो व्हीलचेयर पर हैं जिसमें प्लास्टर की जगह बैंड बंधा हुआ है। ट्वीट में मनोज तिवारी ने लिखा है कि क्या आपने पहले कभी देखा है 24 घंटे में प्लास्टर कट गया? चेला शेष होई का छे, हमने पहली बार देखा है कि 24 घंटा में प्लास्टर कट गया। अरे बाप रे बाप, कोइयों के प्लास्टर लगा होगा 15 दिन के पहले, अगर सच्चा लगा होगा तो कभी प्लास्टर नहीं कर सकता दादा। मेरी दीदी इक्की हो छे। ममता को पैर में चोट उस वक्त लगी थी जब वो नंदीग्राम में नामांकन के दौरान प्रचार कर रही थी। हालांकि तभी से इस पर सवाल भी उठाए जा रहे थे कि ये हमला है या फिर हादसा। ममता की चोट को लेकर एक तरफ टीएमसी आक्रमक थी, जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल भी इसे सियासी स्टंट बता रहे थे।
हालांकि ये भी कम दिलचस्प नहीं है कि आज जब ममता कोलकाता में अपने टूटे पैर को लेकर व्हीलचेयर से विरोधियों पर दहाड़ रही थी, उसी बीच चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि ममता पर किसी ने हमला नहीं किया और ये महज हादसा था। बीजेपी ने अब इस मुद्दे को लपक लिया है और सच सामने लाने की मांग की है। देखिए, आज इलेक्शन कमीशन ने बहुत साफ कर दिया है कि ये एक्सीडेंट था और इसको जिस प्रकार का उनका पहला बयान आया था कि 4-5 लोगों ने धक्का देके मुझे गिरा दिया, ये कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश की गई थी, बाकी इसका कोई भी सबूत नहीं मिला। और इसमें कोई दो राय नहीं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रचार के मामले में बीजेपी ममता पर भारी पड़ती नजर आ रही है। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की पूरी फौज मैदान में उतार रखी है। स्मृति ईरानी, शहनवाज हुसैन, मनोज तिवारी और जेपी नड्डा जैसे कई बड़े नेता किसी न किसी इलाके में जनसभाएं करते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी की भी दर्जनों रैलियां होने वाली हैं। बीजेपी यहां किस तरह माहौल बदलने के लिए पूरा जोर लगा रही है, उसे इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। झंडे, बैनर, पोस्टर से पटी सड़कें, ये बंगाल के खड़गपुर की तस्वीरें हैं जहां गृह मंत्री अमित शाह एक रोड शो करने पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई नजर आया। खड़गपुर से टॉलीवुड एक्टर हिरण चैटर्जी बीजेपी कैंडिडेट हैं, जो कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। और देखते हैं सामने के दिन में कैसे चलेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में अब एक बड़ा माहौल बदल रहा है। एक लोग एक परिवर्तन के लिए, असली परिवर्तन के लिए उत्साहित है। और पश्चिम बंगाल में आज आप देख रहे हैं कि भाजपा पहले कुछ नहीं था और वहाँ से आज कितना बड़ा शक्ति हो गया है। और मेरे ख्याल में सामने दिन में और शक्ति बढ़ेगा जितना दिन इलेक्शन चलेगा। और भी अमित शाह सोमवार को झारग्राम और रानीबंद में रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने चुनाव में पॉलिटिकल किलिंग को बड़ा मुद्दा बनाया है, इसलिए अमित शाह और जेपी नड्डा बारी बारी से उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर भी जाएंगे जिन्होंने राजनीतिक हिंसा में अपनी जान गंवा दी। यानी बीजेपी बंगाल के चुनाव को बड़े कैनवस के तौर पर देख रही है। उधर टीएमसी की बात करें तो उसके पास ममता के अलावा फिलहाल कोई दूसरा स्टार प्रचारक नजर नहीं आ रहा। ममता हर रैली में खुलकर भी कह रही हैं कि बंगाल की सभी सीटों पर उनका बीजेपी से सीधा मुकाबला है। हालांकि नंदीग्राम को लेकर वो खुद बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं। यहां उनकी शुभेंदु से टक्कर है। यहां का सियासी पारा कैसे चढ़ा है आज आई इन तस्वीरों से समझिए, जिसमें बीजेपी और टीएमसी समर्थकों की झड़प देखी जा सकती है। नंदीग्राम में शुभेंदु के दौरे के विरोध को लेकर यह हाथापाई हुई। कुल मिलाकर कहें तो जैसे जैसे बंगाल का चुनाव क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है, इसके रंग भी बदलते जा रहे हैं। एक तरफ घायल ममता सहानुभूति बटोरने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी हर हाल में ममता का खेल खराब करने की ठान चुकी है। कामयाब कौन होगा, ये 2 मई को साफ होगा। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता, विकास चंद्रा और धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज़ नेशन।